आज दो दुकान में सोना चांदी दुकान नंबर 6 बाजार में चोरी हो गई। बिहार में लगातार स्वर्ण व्यवसायियों को अपराधियों ने निशाने पर लिया है। बड़ी घटना निकलकर सामने आई है पुलिस जिला नवगछिया से, जहां देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है दो दुकान में चोरी की घटना हुई है, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी है और लगातार स्थानीय प्रशासन के स्तर से मामले की छानबीन की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि दुकान से तकरीबन 1,00,000 रुपया नगद सहित जो सोने और चांदी की जेवरात है उसकी चोरी की घटना हुई है, जिसके बाद व्यवसायी आपस में गोलबंद होने में लगे हुए हैं। लगातार बिहार में चोरी की घटना और डकैती की घटना को लेकर अब गंभीर है, उनमें क्रोस है, तो लगातार इस तरह की घटना के बाद स्वर्ण व्यवसायी गोलबंद होने की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ाल आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें पुलिस जिला नवगछिया से है, जहां देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दो दुकानों में चोरी की घटना हुई है और ये दुकानें आभूषण की दुकानें हैं, जिसके बाद जो दुकानदार हैं वो डरे सहमे हैं और इस घटना पर पुलिस की जो है पुलिस के स्तर से लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। हमने स्थानीय थानाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है, लिखित आवेदन के बाद जो ठोस कार्रवाई है चोरों के खिलाफ वो की जाएगी। सुनिए पूरी घटना के बारे में दुकानदारों का क्या कुछ कहना है। मैं यही कहूंगा कि आज सबसे बड़ा ऐसा एग्जाम्पल है पटना का। पटना में भी जो है सोना चांदी दुकान में दिन दहाड़े लूट हो गई, 18 करोड़ रुपए की सोना का लूट हो गया और उसमें 14 लाख रुपया नगद केस हो गया। और ये लूट जो है दिन में 2 बजे हो गया और ये आने वाले समय में हम कहते हैं बराबर सोना चांदी के ऊपर ही अटैक हो रहा है और ये अटैक जो बराबर होती रही है। और आज दो दुकान में सोना चांदी दुकान नंबर 6 बाजार में चोरी हो गई और ये बराबर घटना सोना चांदी दुकान में ही हो रही है। तो मैं प्रशासन महोदय से कहूंगा कि ये घटना जो है बार बार सोना चांदी के ऊपर ही अटैक हो रहा है, तो इस खास करके जहां सोना चांदी की दुकानें हैं वहाँ पर गश्ती दल को बढ़ाया जाए, वहाँ ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया जाए और सोना चांदी के आभूषण व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। और आज हमारी गवर्नमेंट को सोना चांदी दुकान से ज्यादातर गवर्नमेंट टैक्स लेती है और ज्यादा उसका जो है टैक्स सोना चांदी दुकान वाले से ही ज्यादातर उनको टैक्स मिलता है। आज जो वारदात हुआ इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर मैं यही कहूंगा कि ये घटना जो घटी है आज, तो इसमें भी मैं यही कहूंगा कि सोना चांदी के दुकान जो है यहाँ पर एक मुस्त हम समझते हैं कि मोहल्ला ही है ये सोना चांदी का, तो इस पर ज्यादा गश्ती बढ़ाया जाए, इस पर ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया जाए। रात में गश्ती गाड़ी रहती है? रात में गश्ती गाड़ी रहती है, लेकिन ये मोहल्ले में नहीं रहती है बल्कि महाराज चौक होते हुए मेन रोड होते हुए निकल जाती है और ये पेट्रोलिंग पुलिस वगैरह जो रहती है तो उसमें इस मोहल्ले में जो है दिया जाए, खास करके इस मोहल्ले में ज्यादा सोना चांदी की दुकान है। इसके विरोध में आज आप लोग क्या? इसके विरोध में हम लोग आज सोना चांदी जितने व्यवसायीगण हैं सब आज हम लोग आज बंद का आह्वान रखे हैं। आज हम लोग जितना सोना चांदी की दुकान है सब आज बंद रहेगी। आपका परिचय? मैं स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष हूँ प्रेजेंट में। नाम मेरा आनंद प्रसाद शाह। तो आपने सुना दुकानदारों ने बताया पूरी वारदात को, किस तरीके से देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आगे भी इस खबर पर हमारी पूरी नज़र रहेगी। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।